महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में एक प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थियों को दिए गए खाने में छिपकली पाई गई। पोषण आहार के तौर पर विद्यार्थियों को खिचड़ी दी गई थी, जिसमें छिपकली के टुकड़े पाए गए। इस खिचड़ी को खाने के बाद 40 विद्यार्थी फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। उस्मानाबाद जिले के उमरगा तालुके के पेट सावंगी के जिला परिषद स्कूल की ये घटना है। मंगलवार सुबह यह घटना सामने आई। विद्यार्थी स्कूल में मिली हुई खिचड़ी डब्बों में भरकर घर ले गए थे, तभी एक विद्यार्थी के डब्बे में छिपकली का सर और एक अन्य विद्यार्थी के डब्बे में छिपकली के शरीर का हिस्सा पाया गया। खिचड़ी में छिपकली पाए जाने के बाद सामने आते ही अभिभावकों ने आकर स्कूल प्रशासन को जानकारी दी, लेकिन तब तक कई विद्यार्थियों को खिचड़ी दी जा चुकी थी। इस बीच कई विद्यार्थियों की तबीयत खराब होने की खबर जो है वो सामने आई। फौरन डॉक्टरों को सूचना दी गई। डॉक्टरों की टीम स्कूल पहुंची। डॉक्टरों ने 40 विद्यार्थियों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण भी पाए। अब शिक्षक, डॉक्टर और अभिभावक मिलकर विद्यार्थियों के ठीक होने की कोशिश में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट।